अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पैसा कमाओ के चैनल में खुशामदीद। इस चैनल में मैं हर रोज़ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप डेली इंटरनेट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है पांच ऐसे तरीके जो आप इंटरनेट से हमेशा के लिए अर्निंग कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल मेथड बताऊंगा कि उससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और वीडियो को पूरे देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो आ जाए वो आप तक जल्द पहुंच सके। और वीडियो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि उससे मुझे हौसला अफजाई होता है। और जो भी कुछ पूछना है वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि हम आज आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स है कि हाँ आप उसे हमेशा अर्निंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है YouTube। YouTube से आप हमेशा अर्निंग कर सकते हैं। और YouTube से आप अर्निंग कैसे करेंगे और YouTube आपको पैसे क्यों देगा? YouTube से आप अर्निंग कर सकते हैं वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दे, क्योंकि उसमें कॉपीराइट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि उसमें किसी और का कंटेंट नहीं होगा। आप जो भी YouTube की वीडियो बनाओगे वो खुद बनाओगे, पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। वो खुद और अपने पेज सामने लाओगे तो आपको वो अर्निंग देगा। क्यों देगा ये सवाल हमेशा लोगों के दिल में रहते हैं। और वो आपको इसलिए अर्निंग देगा क्योंकि लोग उसमें ऐड दे देते हैं। यूट्यूब जो है वो इसमें ऐड लगा देते हैं। आपने भी वीडियो पे देखा होगा। और वो ऐड जो है वो तकरीबन 100% जो 100% में 45% जो है वो YouTube वाले अपने अपने पास रख देते हैं, और 55% जो है वो आप लोगों को दे देते हैं। इसी तरीके से YouTube जो है फर्स्ट है, आप ऑनलाइन आना चाहता है तो इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे वेबसाइट मौजूद है, आप देख सकते हैं। अपवर्क जो है और फाइवर है और freelancing.com है, guru.com है। इसी तरह बहुत सारे साइट मौजूद है, आप उसमें जाके अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको अब जो भी अर्निंग होगा उसमें आप उसको उसका कमीशन दे देंगे और बाकी आपका अर्निंग हो सकता है। तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो साइट है वो कौन सी है? वो आप फेसबुक सोशल मीडिया से भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पेज क्रिएट करेंगे और उसमें आप बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करके उसमें मोटलाइज अर्न करके एड वगैरह चलाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आता है फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम। इसी तरह बहुत सारे ऐप एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। 14 नंबर पर जो है वो है शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वो कैसे शॉर्ट लिंक से अर्निंग करेंगे? तो शायद जो लिंक होते हैं वो इसी तरह होते हैं, जो भी आप वीडियो का लिंक कॉपी कर दे वो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। और ऐसे साइड है कि उसमें आप वो लेंथी जो भी लिंक आपने कॉपी किया होगा वो वहाँ पे पेस्ट कर दे और शार्ट कर दे तो वो छोटा हो जाएगा। और वो आप सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और अपने वेबसाइट पे और ब्लॉग पे वगैरह लोगों के साथ, या अपने यूट्यूब वीडियो जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आप देख सकते हैं दे सकते हैं और वहां से आप बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आखिरी लास्ट जो ऑप्शन है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे होते हैं कि आप दूसरों को सामान बेचकर अपना कमीशन ले लेते हैं। उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं होता। इसके लिए अगर आपको कोई अच्छी तरीके से अर्निंग करना चाहता है तो इसके लिए आप वेबसाइट और ब्लॉगर और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, या फेसबुक पेज और या ग्रुप भी बना सकते हैं, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग का साइट जो है वो है अमेजोन है और एक्सप्रेस है, अलीबाबा है। इसी तरह बहुत सारे साइट है, वहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग कर सकते हैं। और ये सारी मेथड जो है ये है, बिल्कुल रियल है। यहाँ से आप हमेशा ज़िंदगी भर अर्निंग कर सकते हैं और ये रियल अर्निंग है। यहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई वजह नहीं होगा कि यहाँ से आप अर्निंग कैसे करेंगे। बहुत इजी तरीका है। कुछ इसके तरीकेकार मैंने अपने चैनल पे भी डाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें और मेरे चैनल में जितना भी वीडियो से आप देख ले कि मैंने उसमें क्या क्या बनाया है आप लोगों के लिए। हमेशा ऐसा मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो रियल होगी, आप उसे अर्निंग भी कर सकते हैं।
और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि उससे मुझे सिर्फ खुद रफ्जाई होता है। और मैं जो भी आपका सवाल होगा वो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त देना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।